पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मनी माजरा थाना पुलिस और आईटी पार्क थाना पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मनी माजरा थाना प्रभारी नीरज सरना की अगुवाई में निकाला फ्लैग मार्च। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पंजाब पुलिस सख्त देखने को मिल रही है, तो वहीं चंडीगढ़ पुलिस भी चुनाव को लेकर सख्त है। रात में चंडीगढ़ में नाके लगाए जा रहे हैं और हर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव है। इसी के मद्देनज़र आज हरियाणा के बॉर्डर के साथ लगते थाना आईटी पार्क और मनी माजरा थाना ने फ्लैग मार्च निकाला। ये 20 तारीख को जो कल पंजाब में इलेक्शन हैं, उसके मद्देनज़र जितने भी हमारे चंडीगढ़ जैसे बॉर्डर के थाने हैं, मनी माजरा आई टी पार्क, तो आज उनकी जुरिस्डिक्शन में हमने दोनों थानों ने कम्बाइंड फ्लैग मार्च निकाला है, ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना बनी रहे और जो कोई शरारती तत्व हैं वो कोई ऐसा शरारत वाला काम पंजाब के इलेक्शन में या चंडीगढ़ में ना कर सके। हिदायतें ये हैं कि हमारी एक तो राउंड द क्लॉक जो हमारे बॉर्डर पर नाकाज हैं उन पर राउंड द क्लॉक चेकिंग चल रही है, ताकि ऐसे कोई पंजाब में इलेक्शंस में कोई गड़बड़ी करने के मकसद से ना इंटर कर सके यहाँ से। और जैसे हमने बीट्स में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, धर्मशाला गेस्ट हाउस सराय वगैरह की होटलों की सब जगह की चेकिंग चल रही है। ज़्यादातर हम गाड़ियों की फोर व्हीलर्स की चेकिंग करते हैं डिक्कियों में कि इलेक्शंस का माहौल है, कुछ जैसे नशा, कोई ड्रग्स, कोई शराब, कोई पैसा, ऐसी चीज़ को इलेक्शंस में बांटने के लिए ना लेके जा रहे हो लोग। क्योंकि ये मनी माजरा और आईटी पार्क दोनों का बॉर्डर लगता है हरियाणा के साथ, तो इसलिए आज हमने दोनों थानों ने कम्बाइंड अपनी फोर्स इकट्ठी करके कम्बाइंड फ्लैग मार्च निकाला था आईटी पार्क थाना और मनी माजरा थाने की जुरिस्डिक्शन में। ये इंदिरा कॉलोनी से निकाला, इंदिरा कॉलोनी का एरिया सारा करके उसके बाद मनी माजरा में, टाउन में, मेन मार्केट में, NSE में, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, गोविंदपुरा में, उसके बाद इधर किशनगढ़ में जो हमारा एक गाँव है उसके साथ। इसमें संदेश यह है कि लोगों में एक सुरक्षा की भावना बनी रहे और जो शरारती तत्व हैं उनमें पुलिस का डर बना रहे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।